अलमैकम व हमारी ये वेबसाइट है और इसके अंदर हम अपने वर्ड प्रेस एडमेन में जाएंगे स्लैश डब्ल्यू पी हमने सिंपल चैन्यू होस्टिंग लिए वर्ड प्रेस के लिए और यहाँ पे हम पासपोर्ट हैं अपना तो ये इसको लॉगिन कर दिया हमने सिंपल सी वेबसाइट हम ली। अभी हम वैसे के लिए वर्ड प्रेस के बारे में बात करेंगे <coughs> यहाँ पे हम लोग पोस्ट वगैरह एड करते हैं ठीक है <coughs> ये बेसिक लॉड है और यहाँ पे हमारा कोई मीडिया अपलोड करना होता है कोई भी चीज़ आपको अपलोड करनी है रहे यहाँ से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पेजेस बनेंगे ठीक है <coughs> प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट वगैरह इस तरह पर पेज या और भी कोई पेज जब अपने बनाना होता है पेज पे वगैरह वो भी यहाँ तीमों के हिसाब हो से होता है बाकी यहाँ पर हमारे सारे कमेंट्स में जो मैंने जो होता है ये हमारे तीन सेक्शन है यहाँ पर हमारे पास बर्थ एफ टीमें पड़ी हुई है और ये हमारे किसी काम की नहीं हमने एक टीम ये रखनी है और एक टीम हाँ अपनी अपलोड करेंगे बोली अच्छी सी डिज़ाइन थी तो आपसे शेयर कर देंगे ब्लॉगिंग के हवाले से यहाँ पे हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल होते हैं ठीक है और कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं एक्सल्स के लिए और uh, एनालिटिक्स के लिए कि भाई ट्रैक करना है कौन से यूज़र आ रहा है जा रहा है और भी रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड लगिन होती हैं ब्लॉगिंग के अंदर वो हम डालेंगे यहाँ पे हमारे पास यूजर मैनेज होते हैं हम किसी और बंदे को ऐड करना चाहें जो हमारे साथ हमारी वेबसाइट को मैनेज करना चाहें पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं ये हमारे टूल्स है जिसमें आपके फ, uh, प्लगिन फाइल एडिटर वगैरह और ये एक्सल टूल है या आपकी वेबसाइट की सेटिंग होती है या आपने कौन से फेसबुक पर रखना है जनरल सेटिंग राइटिंग वगैरह ठीक और ये आपसे मन में को सो जाता है तो ये सिंपल और प्लस की सेटिंग है तो कोई भी इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है अगर डेवलपर नहीं भी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है हमने कॉन्टैक्ट लिखना है हमारी वेबसाइट मार वे पटकॉम है और चूँकि हमारा प्लान है ए आई की मदद से हमने वेबसाइट बनानी है तो हम ए आई की मदद से ही वर्क करेंगे आपने जो भी डोमेन की होगी आप उसको बताएंगे चट जी बी डी अभी मैं इसको बताऊंगा कि आई take website suggest वेबसाइट सजेस्ट मी वट काइंड श मी ऑन it? सही है और मैं डोमेन के हाले से अगर आपको आइडिया नहीं है नहीं आप डोमेन लेना चाह रहे हैं आप आइडिया यहीं चल सकते हैं कह रहे जब आप इस तरह की वेबसाइट ले सकते हैं तो इसमें आप इस तरह की चीज़ों की से <coughs> ये आपको आइडियाज देगा <coughs> तो ये बहुत सारे आइडियाज देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब बोलता हूँ आई वॉन्ट टू एट कॉन्टेंट अबाउट टेकस्ट मी कैट ग्रिंग्स सही है अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे टेक के हवाले से चीज़ें डालनी है तो मैं जो वही मशवरा दो कि मैं क्या डाल कह रहा है तुम डालो टेक्नोलॉजी नहीं उसके हवाले से और प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करो और तुम हाउ टू तु गाइड एंड ट्यूटोरियल्स गाइड करो ट्यूटोरियल दो और टेक के जो टिप एंड ट्रिक्स होते हैं मतलब ये बता रहे हैं टेक एक्सप्लेनेशन एजुकेशन कॉन्टेंट दो और गेजट्स के हवाले से एक्सेसरीज सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करो और टेक इंडस्ट्री के अंदर जो एनालस एक्साइट्स वगैरह टैक् इवेंट्स रहे होते हैं या इंटरव्यूज़ जो लोग लोगों के वगैरह क्या इस तरह के मेन्यूज पे तुम अपना वर्क शुरू कर लो तो इसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी न्यूज़ है तो हम अगर इस टॉपिक को डालते हैं और हम इसको इस तरीके से सर्च करते हैं तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई सही है तो चूँकि हमें बेसिकली न्यूज़ से आ, हमने इसको सर्च किया है तो हम इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी न्यूज़ गूगल पी है और भी बहुत सारी जगह है ये गूगल न्यूज़ के अंदर आपको गूगल टैक न्यूज़ के अंदर आपको लोग नज़र आएंगे जो टैक के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको टैग के हवाले से बहुत सारा कॉन्टेंट नज़र आ रहा होगा जिस पर लोग वर्क कर रहे हैं और ये हमारे पास फोनस के हवाले से टैग के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही होगी और ओवरऑल तो ये यह आपको यहाँ पे मिल रही होगी तो कॉन्टेंट के आइडियाज़ आप इस तरीके से ले सकते हैं और जो चीज़ आप डिसाइड करेंगे फाइनली फिर आपने उसी में वर्क करना है कि आपने फिर उसी हवाले से कॉन्टेंट लिखना है अब सवाल ये है कि इस तरह का कॉन्टेंट जब हम एड करेंगे तो हम कैसे करेंगे सही है आपको उम्मीद करता हूँ आइडिया मिल गया कि आपने कॉन्टेंट कैसे लेना है इंटरनेट से तो ये आप ले सकते हैं बाकी ब्लॉग किस तरीके से लिखना है कॉपी राइट करना है एआई से लिखवाना है और ए आई से निकलवाने के बाद हमारे पास जो सवाल पैदा होंगे आप फिर हम उसके जवाब के साथ आगे जाएंगे और चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है तो चलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं हमारे पास इस टाइम ए आई भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट भी है हम पोस्टें बनाएंगे सही है सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास ये एक पोस्ट है इसको हम आ, डिलीट कर देंगे ट्रैश कर देंगे तो इस टाइम हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है तो हमने अगर पोस्ट बनाना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है कि भाई इस तरह के आ, जो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है इन्होंने इस कुछ चीज़ें कर दी है सही है अब ये न्यूज़ आ रही है कि भाई बिंग ने जो है ना इस तरह का काम कर दिया है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते अच्छा इसे काम ये है फ़ॉर एग्जांपल अगर ये कंटेंट मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये इस वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूँ तो आ, ये वेबसाइट आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से पीछे कॉन्टेंट को मैनेज कर रही है और ये कॉन्टेंट इसका चल रहा है इस तरीके से देखो इन्होंने ऐड लगाए हुए हैं इनका भी वेबसाइट मोनिटाइज मतलब कॉन्टेंट अच्छा है और ये इनका कॉन्टेंट सारा सारा जिसके अंदर इन्होंने एड लगाया तो इस तरीके से हम क्या करेंगे हम आ, Uh, ये जो हमारे पास uh, मौजू है ये टॉपिक अभी मैं एक आइडिया बेस्ड काम करूँगा और ये टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी का वर्ड अगर हम uh, मैं इस बोल कामना का एंजी है वो तो इंडोनेशियन तो सॉरी टेक्नोलॉजी न्यूज़ सी अरे ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ सही है अब ये देखिए ये इंडोनेशियन लैंग्वेज हमारे पास कुछ आ रहा है तो हम इसको सर्च करते हैं अब ये देखो ये अब हमारे पास जो वेबसाइटें आ रही हैं ये हमारे पास जिस तरीके से ये एक वेबसाइट आई है जो कि वर्क कर रही है न्यूज़ के ऊपर तो ये वेबसाइट चूँकि इंडोनेशियन लैंग्वेज में और ये वेबसाइट काफ़ी डिमांडेबल है और इनके पास काफ़ी सारे न्यूज़ है ठीक है तो हमारे पास कुछ ऐसे न्यूज़ देखने जो हमारे काम के होंगे एट ये वो आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एडिक्स बिकम कम मैंडेट्री कह रहे हैं ये आर्ट टेक्नोलोजी ऐसे ट्रेंड है जो दो हज़ार तेईस में मैंडेट्री हो चुके हैं तो हम इस आर्टिकल को खोलेंगे और इनकी ये वेबसाइट है इनके अंदर आपको आई टी लेडर्स एग्जीक्यूटिव इन्होंने इस तरह की वेबसाइट बनाई हुई है जिस पर इनका वर्क चल रहा है और ये इनके एड वगैरह लगे हो तो ये वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है तो अब अगर हम इस तरह की कॉन्टेंट को वर्क करेंगे और इस तरह के आर्टिकल पर हमने वर्क करना है तो हमने कैसे करना है बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है कि नो कॉन्टेंट तो मिल जाता है लेकिन वही सवाल आता है कि यार ये कॉन्टेंट हम कॉपी करेंगे तो जैसे बात है ओपन भी जो है ना हम पे वो हो जाएगा केस के भाई तुमने कॉपी किया है तो ये हमारे पास कॉन्टेंट है सिंपल सा हमने इसको इस तरीके से अपनी वेबसाइट पर लेके जाना है कि ये भी हमारी न्यूज़ हो जाए और आ, ये चूँकि इंटरनेशनल न्यूज़ है और कहीं भी पढ़ी जाएंगी तो ये एक नॉर्मल है लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो इस तरह के आपने कॉन्टेंट को हैं। अच्छा ये जो कॉन्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ट्रांसलेट टू इंग्लिश करेंगे तो ये हमारे पास एड टेक्नोलॉजी मैंडेटरी ट्रेंड हमारे पास आ चुके हैं हम इसको कॉपी करेंगे इस टॉपिक को और हमने यहाँ पे एड न्यू पोस्ट करना है ठीक है अभी हम पोस्टिंग सीख रहे हैं पोस्टिंग कैसे होती है ठीक है तो दो चीज़ें हम इस टाइम सीख रहे हैं एक हमें पोस्ट कैसे बनानी है दूसरी पोस्ट यूनिक कैसे बनेगी मतलब हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे लेकिन कंटेंट हमारा हंड्रेड परसेंट यूनिक होगा तो ये जो वेबसाइट हमने बाय डिफॉल्ट बाय चांस ली है चूज़ की है तो इसके अंदर ये मैं जो है इस इमेज को मैं सेव करूँगा और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ हाँ तो ये हमारे पास लेटेस्ट वर्डप्रेस प्रेस है तो आपके पास भी यही आएगा इसके अंदर हमने ये कॉन्टेंट का टाइटल डाल दिया है और यहाँ पर हम इसके अंदर ये जो कॉन्टेंट हमारे पास आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉन्टेंट हमारे पास ट्रांसलेट टू तो इंग्लिश ये आई थिंक ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेटेड है तो ये कॉन्टेंट हम यहाँ से उठाएंगे और हम इसको यहाँ तक कॉपी करेंगे हमारे पास नोट पैड है नोट के अंदर हमने कंटेंट कॉन्टेंट तक रख लिया है और उसके बाद यही कॉन्टेंट हम नीचे से दोबारा चेक करेंगे यहाँ से ये यह आठ ट्रेंड चलेंगे सही चार यहाँ तक हो गए और ये हम चार तक कॉपी करेंगे ट्री तक कर लिया था आई थिंक ये कॉपी कर लिया था इसको हम नोट के अंदर रखेंगे अच्छा जो चीज़ें मैं आपको करके दे रहा हूँ आपने इज ऐसी करनी है अगर आप नोट पैड इस्तेमाल नहीं करेंगे नोट पैड का रीज़न भी आपको तो पता चलो नोट पैड का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना आपकी जो आ, जो डेवलपर्स लोग होते हैं उनको पता होता है इस चीज़ का कि ये जो कंटेंट है इसके पीछे ये भाई कोई फोन स्टाइल है फिर ये हेडिंग है ये सारी खसूसियात इस वेबसाइट के पीछे लगी हुई है कोडिंग के ज़रिए तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है अगर आप इसको कहीं और पेस्ट करते हैं जहाँ पर लाइक आपने पेस्ट कर दिया वर्ड के अंदर तो फिर वो चीज़ जो है ना उस प्रॉपर्टीज़ के साथ चल रही होती है और आप फिर ब्लॉग में भी लेके जाओगे तो यहाँ भी वो अपने साथ प्रॉपर्टीज़ लेकर आएगा हमने इसको बिल्कुल ब्लैंक रंगना होता है कोई प्रॉपर्टी हमें इसकी नहीं चाहिए तो इसलिए हम नोट पैड पर पे, इस्तेमाल करें हम कॉन्टेंट यहाँ पर पे डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं कॉन्टेंट यहाँ पर पेस्ट करने का मकसद यही है ये कि इसकी कोई प्रॉपर्टीज हमारे पास ना आए नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और हम देखेंगे ये आठ के आठ ट्रेंड पूरे कैसे होंगे ये नंबर चार ट्रेंड है और नंबर चार यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ एडिंग हमारे पास पड़ी हुई नहीं और हम इसको लेकर चल रहे हैं नंबर छः तो यहाँ तक आ गए तो इसके दरमियान जो हमने सेलेक्ट किया कोई और चीज़ नहीं आ रही सिर्फ टैक्स आ रहा है तो हम यहाँ पर इंटर दबा के इस कॉन्टेंट को इस तरीके से रखेंगे नंबर छः पर हम आ गए तो नंबर छः यहाँ तक कर लिया था और नंबर छः यहाँ से हम पे स्टार्ट हो रहा है और नंबर सात और नंबर आठ सही ये कॉन्टेंट हमने उठा लिया सिंपल सिंपल इज़ दैट ये कौन उठाने के बाद हमारे पास ये पूरा आर्टिकल तैयार हो चुका है अगर इस आर्टिकल को मैं वर्ड काउंट करूँ तो मेरे पास एक वेबसाइट है जिसपे हम मर्द जिस पर मैंने एक टूल डाला है उस टूल के जरिए मैं वर्ड काउंट करता हूँ अगर आपके पास कोई वर्ड काउंटर नहीं तो आप इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये टैक्स फॉर्मेट के अंदर है तो यहाँ पर मैं इसको वर्ड दे देता हूँ और इसको डेमोट कर करके तो आठ सौ अस्सी वर्ड इनफ है ठीक है आपके कम मिनिमम जो है ना पाँच सौ वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए और मैक्सिमम आप टेन थाउजेंड वर्ड्स तक लेके जाओ वे तो ज़्यादा अच्छा होगा जल्दी रैंक होगा और आप अब की वर्ड पर फोकस होता है इसके अंदर जो ट्रेंड है ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेंड है अब ये आर्टिकल पूरा हो चुका है सही हम पूरा कॉपी कर चुके हैं अब हम इसको अगर यहाँ पेस्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे अगर ये आर्टिकल हम पेस्ट करते हैं तो हम किस बेहाफ़ पे करेंगे सब सबसे पहले तो हम इसका ऑन हमारे पास तो एक और चीज़ अब हम सीखने जा रहे हैं वो है प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म क्या होता है प्लेजरिज्म बेसिकली एक टूल है जो कि आपके कंटेंट को चेक करता है कि इस पर कहीं कॉपी राइट बिले बोल सकता है मसा ये कॉन्टेंट अभी डिटेक्टर है प्लेजरिज्म डिटेक्टर सही है आ, हमारे पास है ये टूल है हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम ये सारा कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये हमें बताएगा कि भईया आपने जो कंटेंट उठाया है आया किसी वेबसाइट से उठाया अरे क्या किया है अगर ये वेबसाइट किसी वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा हुआ है फिर तो कॉपी राइट किया है इस कॉन्टेंट पर हो सकता है और, और एडसन इस तरह के कॉन्टेंट पर अप्रूवल नहीं दे सही है तो अब चूँकि हमने इसी को चेक करना है हम हम इसको डायरेक्ट चेक कर रहे हैं क्योंकि हमने एक इंडोनेशियन लैंग्वेज बेस्ड वेबसाइट को ट्रांसलेट करके उधर ही उसी टाइम ट्रांसलेट किया था और सीधे सीधे हमने इसको कॉपी कर लिया था तो मतलब ये कंटेंट इंग्लिश में तो नहीं था ये इंडोनेशनल लैंग्वेज में था हम इसको ट्रांसलेट करके पढ़ने के लिए हमने इसको इंग्लिश के अंदर किया था मतलब ये एस बेसिकली ओरिजिनली जो है ना ये इंडो la, लैंग्वेज के अंदर है तो हमने सिर्फ पढ़ने के लिए किया था और हमने उसी पढ़ने के लिए हमने उस कॉन्टेंट को कॉपी कर लिया है तो हम इसको अब चेक करेंगे कि अगर किसी ने ये सीन पहले कर लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और बंदा ब्लॉगर आया है उसने सिर्फ कैसे करके ये कॉन्टेंट कॉपी किया है तो उसकी वेबसाइट का हमें चल जाएगा यहाँ पे बता देंगे ये कॉन्टेंट उस बंदे का है अगर किसी ने भी नहीं किया तो ये कॉन्टेंट डायरेक्टली हमारा होगा और इस पर भी नहीं यूनिक हो जाएगा हंड्रेड परसेंट ये बहुत सिंपल ट्रिक है सही है तो ये हमें बताएगा यहाँ पर कि कितनी परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट नहीं है तो उसको देखते हैं अच्छा ये जो सीन है यूनिक का प्लेजरिज्म बेसिकली हमारे पास इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइटें पड़ी है दुनिया में ट्वेंटी बिलियन वेबसाइट्स है उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होता है ये उसी को चेक करता है देखो अब ये बता रहा है प्लेजरिज्म मैच हो रहा है सही है अभी यह प्लेजरज़म अगर इस तरीके से मैच होगा तो आप बोलोगे यार मैंने तो आ, मतलब कॉन्टेंट उठाया और फिर भी ये प्लेजरिज्म हो रहा है मतलब ये दिस इज़ मतलब ये कॉन्टेंट किसी ने उठा लिया है तो हम शॉर्टली इसको काट देते हैं हमें पता चल जाए हमें पता चल जा कॉन्टेंट जो है ये किसी ने ऑलरेडी उठाया है तो हम हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जा रहे हैं अगर ये यूनिक होता फिर तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पेस्ट कर देते। दे। अब हम इसमें ए का इस्तेमाल करेंगे अब इसको हम बताएंगे। आई विल हम इसको बोलेंगे एक्ट एज आंटेंट राइटर एक्सपर्ट सही है अब ये हमारे पास क्या करेगा कोर्स और ये बता देंगे इसको हमने पहले फॉर्म देना होगी भाई हम करने वाले क्या हैं अब इसको देखें आई विल गिव यू आर्टिकल एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट एंड फोकस focus on keyword focus on keyword of tech sorry सॉरी spelling आर स्पेलिंग we टेक्नोलॉजी ट्रेंड सही है क्या मैंने से कहा कि भाई मैं तुम्हें एक आर्टिकल दे रहा हूँ उसके अंदर तुमने Uh, इस लफ्स पे फोकस मारना है ये है सही राइट माई आर्टिकल एंड इफ पॉसिबल मेक इट वन थाउजेंड वर्ड्स सही इसको मैंने पूरा प्रॉब्लम दे दिया अब मैं इसको आर्टिकल दे रहा हूँ ये मैंने स्कोटी कर दे दिया अब मैंने स्कॉन्टर था हमारी अभी क्या करेगा ये इस कंटेंट देने का मकसद क्या होता है कि ये कंटेंट का ऑलरेडी कोपरेट क्लेम मतलब यूनिक नहीं था थोड़ा बहुत यूनिक था ज़्यादा नहीं था तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ये अब चेक करेगा कि ये कितना परसेंट मतलब अब ये इसको बनाएगा अलग तरीके से देखो इसने बनाना शुरू कर दिया है ये उसी आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को अपने अंदाज में लिखेगा सही है तो ये आर्ट जैसे पूरे हो जाएंगे तो ये इसको क्लोज कर देगा आर्टिकल को फिर हम दोबारा इसके वर्ड्स को काउंट करेंगे हमारे पास जो भी वर्ड चले वो ना अराउंड एट हंड्रेड और नाइन ना, हंड्रेड ना, ना, बिटवीन थे तो ये टेक्नोलॉजी देखो कितनी स्पीड से सी लिखा अच्छे से कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि ये इसने पूरा आर्टिकल लिखा नहीं है तो इसने ट्राई माई बेस्ट करके हमने इसको बोला था कि तो माइ ट्राई मा जो करना जो बेस्ट हो तो ये हमारे पास बेसिकली इसने इतना करके लिख दिया और आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड लिखने के बाद इसने कंक्लूजन भी लिख दिया तो अब ये आर्टिकल इसको हम दोबारा चेक करेंगे अभी अब मैं आपको बताऊँ ए आई डिटेक्टर होता है हमारे पास सही है अब हम क्या करेंगे इसको ऑनलाइन ए आई डिटेक्टर सही चेक चेकर अब हम ये जो चेक चेकर होता है ए आई मेज होता है हम ये कोई भी वेबसाइट खोल देना एक्स वाई जी अगर कोई फ्री टू हो तो ये तो फ्री नहीं है ए आई डिटेक्टर किसी को भी हम देते दे हैं चलो ये तो को इसको हमने दे दिया है कॉन्टेंट ठीक है एनालाइज अच्छा जी लजारज़म चाकर पे हम दोबारा आएंगे और इसकी हमारे पास आठ सौ अस्सी वर्ड का पुराना आर्टिकल था नया आर्टिकल हमारे पास आठ सौ उन्नीस वर्ड का हो तो गया मतलब इसने अपनी तरफ से इसको लिख लिया है तो कॉन्टेंट काफ़ी चेंज हो चुका है अच्छा इसके अंदर हम दोबारा कॉन्टेंट डाल रहे हैं और यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि आपके आठ सौ सात वर्ड्स हैं और इसको दोबारा हम री प्लेजरज़म चेक करेंगे लास्ट टाइम मुझे आ, पता लग गया था कि यार ये कंटेंट जो है ना आ, मतलब यार टेन परसेंट अगर सेवन परसेंट यूनिक आ रहा टेन परसेंट ब्लजाइज कॉपी आ रहा हो तो, तो मज़ा नहीं आता तो इस वजह से मैं उसको स्टार्ट में ही समझ गया कि यार जाके जाके मजीद कॉपी राइट प्लेन की तरफ जा रहा है तो उसको मैंने फिर कंटिन्यू नहीं होने दिया और आ, अभी हम इसको दोबारा प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं और देखते हैं ए की मदद से हमने इसको कैसा यूनिक बनाया तो कंटेंट यूनिक इस वजह से बनेगा क्योंकि हमने एआई को हैंड लिया था बहुत बड़ा मतलब उसको हमने इतना ज़्यादा कंटेंट दिया हमने कहा इसी को देखते हुए तो अपने अंदाज में नहीं बहुत इसके अंदर फिर ये लिख के देना होगा अच्छा जी ये कंटेंट हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि ये बता रहा है कि यार इट्स लाइकली यार ह्यूमन कॉन्टेंट मतलब ए आई नहीं है मतलब ये कह रहा ह्यूमन है इस ने अपने कमेंट पास कर लिए इस टूल ने कि यार ये तुम्हारा जो कंटेंट है ये ह्यूमन वेस्ट है तो हम कह रहे हैं ठीक है अब देख सकते हैं हमारे पास टू परसेंट प्लेजरिजम आ रहा है और ट्वेंटी नाइन परसेंट यूनिक हुए है सही है तो मतलब ये टेस्ट भी इसने पास कर लिया है कॉन्टेंट डरेक्टर डॉट ए आई का तो यहाँ भी इसने कह दिया कि भाई आपका ह्यूमन कॉन्टेंट है तो ये हाई लेवल मतलब हाई क्वालिटी हो चुका है तकरीबन तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कॉन्टेंट यूनिक होता जा रहा है तो जब तक हम इस आर्टिकल को कंटिन्यू करके यहाँ पर सीधे सीधे पेस्ट कर देते हैं ये आर्टिकल हमने सारा पेस्ट कर लिया है और इस आर्टिकल की अगर आप आ, देखना चाहेंगे तो ये आपके पास पूरा आर्टिकल आ चुका अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ें है, ऐसी हैं फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमने इसको देखें इन्होंने कैसा दिया था ऐसे इज दिया था तो ये कंटेंट हमारे पास नंबर एक नंबर दो नंबर तीन अच्छा इसके अंदर हमारे पास ये जो कंटेंट आ रहा है साइबर ट्रेंड्स के हवाले से हमने आर्टिकल लिख लिया है अच्छा कंटेंट के में हमें आप देख सकते हैं सेवेंटी सिक्स परसेंट आ चुका है अब बात आती है एमएच के ऊपर एमएच जो होता है बेसिकली आप मैंने तो कहना पी सी डाला हुआ है उसको वेब पे भी चला सकते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे हमारा एक नई वेबसाइट है चूँकि मरव टेक के नाम से है तो मैं उसके लिए एक मखसूस लॉगो डिज़ाइन करूँगा जो कि मैं कर चुका हूँ और, और मैं एक यहाँ पे ना ब्लॉग टाइप कोई अमेज सर्च करूँगा मैंने ब्लॉग सर्च मारा है और मेरे पास तरह तरह के कॉन्टेंट आए लाइक ये कंटेंट आ रहा है और अगर हम यहाँ ट्रेंड लिख दें क्योंकि मेरा आर्टिकल एक ट्रेंड के हवाले से है तो अभी देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ इमेजेस आ रही होंगी जो आपको लगे कि यार ये मुझसे हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा और हम स्कूल चलेंगे इसी को उठा लेते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत सारे इमेज हमारे पास आ चुके हैं रिलेटेड तो ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड के हवाले से ये एक बच्चा बैठा हुआ है कंट्रोन कंप्यूटर को देख रहा है तो और भी बहुत सारे इस तरह के इमेजेस अगर और इस इमेज को उठा रहे सपोज कर लेते हैं आ, ये एक मार्केटिंग के हवाले से इन्होंने वो बनाया हुआ है तो जो इमेज आपके कॉन्टेंट से मेज हो रही है आप उसी को उठा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे तो उस हवाले से फिर हम सपोज करते हैं कि हम कोई भी इमेज उठा लेंगे सपोज कर लो हम ये इमेज उठाना ठीक है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोर्स लंबा होता जा रहा है मेरी कोशिश यही है कि यार मैसेज कोशिश सिंपली सिंपली चीज़ों को फाइनलाइज कर दो तो।, तो ये इमेजेस है आ, हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है बैकग्राउंड के अंदर भी आपको जो हमें इमेज डाउनलोड की थी अगर हमें वो अच्छी मुझे वो इमेज अच्छी लगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे ये वाली इमेज और इसमें मैं अपलोड करती हैं जो हमारी वैक्ट वाइट कलर की बैकग्राउंड है मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा और ये इमेज मैंने ये यहाँ पर लाइए देखो वाइट इमेज हो गई अच्छा इस कॉन्टेंट का कलर में अगर चेंज करूँ तो ये हाईलाइट हो सकता है वाइट कर दूँ तो ये हाईलाइट हो गया और बाकी ये जो कॉन्टेंट है ये मेरे काम का नहीं है और ये बटन है जो कि देखते हैं इसको पैक करना है इसको हम यहाँ ले आते हैं सॉरी ये मैंने शिफ्ट पकड़ा था दोनों सेलेक्ट हो गए तो ये हमें आने और ये हमने यहाँ से हटा दिया तो हमें अगर ये आना लाना हो इसको हम शिफ्ट पकड़ के दोबारा यहाँ पे ले आते हैं तो ये ड्रंक्स इसको भी ले आते हैं और इसके अंदर मिलता ये मैं तैयार कर लिया है तो इसको मैं देखता हूँ अब ये सही लग रहा है इसके जो बेट साइड पर ये है इसको भी बना कर देते हैं न? तो ये हमारी वेबसाइट का लोगो लग चुका है और ये अगर हम सपोज कलर लौटा दें तो ये हाइडिंग हम यहाँ ला सकते हैं और यहाँ पे हम इस हाइडिंग को रख सकते हैं और उसका कलर हम चेंज कर देंगे लाइक like दिस या ये हमारे जो बैकग्राउंड पर चल रहा है उसी हिसाब से हमने कलर रखा हुआ है अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास जो एड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स ये शॉर्ट कट हैं ये हम इसको बड़, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा इतना ही लगता है इसको तो इसको हम हमारे पास व्यू कर देते हैं तो ये हमारे पास आ चुका है सही इसका हम व्यू कर लेते हैं और

तो ये इमेज है सिंपली आप इसको मज़ीद अपने हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगे आप उसको कर सकते हैं इसको मैं कंप्रेस क्वालिटी करूँगा और आ, आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें इस सब ठीक हो लेकिन आ, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा आज के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है और ईजी भी बहुत ज़्यादा है तो मेरा मशवरा यही कि आप यही चलाएँ तो यहाँ पर हम लिख हैं ट्र, ट्र, का नाम रख दिया आपने इसको सेव कर दिया चलिए और अब आपको एम जो कि ये आपको लेटेस्ट एडिटर है यहाँ पे आपके पास के टूल आते हैं इसके अंदर आप कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहें पास मीडिया है ओपन मीडिया में आप आके यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं तो इस ट्रेंड के हवाले से मैंने इसके अंदर ये फाइल इमेज अपलोड कर दी अब मैं चाह रहा हूँ इस एम की थोड़ी सी एस ई ओ बी हो जाए तो हमारा कॉन्टेंट आप देख सकते हैं नाइन्टी एट परसेंट यूनिक है तो टू परसेंट इट्स डजेंट मैटर कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये हमारा चूँकि हमारा ये यहाँ पे तो हमने सो कंटेंट दिया था पूरा का पूरा कंटेंट हमने कहाँ से उठाया था हमने कंटेंट यहाँ से उठाया था आई थिंक इस वेबसाइट से हमने उठाया था इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये वाला टाइटल यार एक किला क्लिक हो गया इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रम्स मैंडी आप बोल रहे होंगे यार ये या आप एम पे लगाओगे अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि इस इमेज का ताल्लुक इसी से है तो आप इसको यहीं यही लगाएं ताकि कोई गूगल में एम के हवाले से सर्च करे ना इस इस टॉपिक तो, को जब कोई इमेजेस में सर्च करे तो आपकी ये इमेज आएगी इसके थ्रो आपको ट्रैफिक मिलेगी एम एच के थ्रू ठीक है तो ये हमने सेलेक्ट कर ली है और ये हमने यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दी है और इसको आप आ, इसको हम डिलीट कर लेते हैं भारत जमा ऐड हो गई इसको अगर आप कहीं ऐड करना चाहते हैं फॉर so, एग्जांपल इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पोस्ट क्या वाले से डिटेल्स है आ, पोस्ट कौन बना रहा है कैटेगरी कौन सी है ऐड न्यू कैटेगरी बना देंगे हम इस लिख देंगे ट्राइक ट्रेंड uh, so, uh, के हवाले से हमने एक ट्रेक कैटगरी बन, uh, बना दी है और ये कैटेगरी हमारी ट्रेंड्स uh, होगी इसके अंदर फिर हम देखेंगे क्या करना है इसको पेरेंट रखना है चैन रखना है फिर उसको हम पेरेंट बनाते हैं और इस कैटगरी को हमने एड न्यू कैटेगरी कर दिया है ये कैटेगरी आपकी ए डे सही ये आपके यहाँ आ चुकी है ट्रेंड्स के हवाले से इसको आप टेक भी लगा सकते हैं अच्छा आपको यहाँ पे अगर टेक लगाने हैं तो इसको आप क्या क्या टैग लगाएंगे इसको हम लगा देंगे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स ठीक है कॉमा डाल के कोमा कोमा प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टैग इस तरीके से ऐड होंगे मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक डाल सकता हूँ तो ये हमारे पास दूसरा टेक इसका कोमा डालूंगा दो टैग में लगा दिए अच्छा ये जो फीचर एम एज होता है ये आपकी वेबसाइट होती example, है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट मरव टेक डॉट कॉम सही हमने इस वेबसाइट को खोला है इससे हमारे पास कोई आर्टिकल यहाँ है नहीं सपोज़ करो मैं इसको ऑब्लिश कर देता हूँ सही है इसको मैंने पब्लिश कर लिया है इस आर्टिकल को ये इसका लिंक है और मैं इसको यहाँ भी रिफ़्रेश करूँगा आप देखिएगा हमारे पास क्या होता है देखिए अब आपके पास ये आर्टिकल आ रहा है इस तरीके से इसके अंदर ये कंटेंट भी आ रहा है और मजीद डिट करने के लिए इस पर क्लिक करें यहाँ पे कोई इमेज नहीं आ रही ये जो फ्रंट होता है इसके ऊपर जब इस बंदा क्लिक करेगा तो ये खुलेगा फिर लोग इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इमेज आती है उस इमेज को हम यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे आपका फ़ीचर इमेज ऐड करेंगे फ़ीचर इमेज हमारे पास ये रहा इसको तो हमने सेट कर दिया फ़ीचर इमेज ठीक है और एक सर पे हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है जब ये किसी से शेयर करेंगे तो हम इसको हम एआई को बोल के करवा देते हैं ये इसने शॉर्ट्स आ जो निकट लिख के दे दिया तो यहाँ से हम इतना कॉपी कर लेते हैं बाकी आप इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें से जितना होगा उतना लेगा ले वो तो मंगाया आ जाएगा डिस्कशन में आप इसको कमेंट अलाउ कर लें या नहीं करना जो भी चीज़ें आपने करनी अभी ये चीज़ें ओफाई सही है आपने कैटेगरी लगा दिया टेग लगा दिया ये आपका प्रॉपर आर्टिकल मैनेजर है ये चीज़ें आपने लाजमी करनी होगी क्योंकि इन द फ्यूचर हम वेबसाइट की लेआउट पर वर्क करेंगे ना तो इस चीज़ों से हम इसको डिवाइड करेंगे चीज़ों को तोड़ेंगे वेबसाइट को हम किस तरीके से यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे चीज़ों को तोड़कर डिज़ाइन करके हर चीज़ों को इन द बॉक्स करना है तो उसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारी वेबसाइट है और हम दोबारा मेन पेज पर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज शो हो गई से अब हम इस आर्टिकल को खोलेंगे तो ये एम एज यहाँ पर आपकी ट्रॉक पे आ रही होगी तो इसके बाद ये आपका एडिंग आ गई और ये आपका आर्टिकल आ गया जब जब हम इस पर कोई थीम अप्लाई करेंगे तो ये उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा अब इसको कोई थीम अप्लाई है नहीं तो इस वीडियो के अंदर हमने ओवरऑल आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो सीखा है और उसके अंदर आर्टिकल के अंदर जो टेक्निक्स है कहाँ से आर्टिकल आइडियाज़ के लेने कैसे है कहाँ से लेना है वो सीखा आपने और आपने दो तरह के ट्रिक्स सीखे पहले ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई वेबसाइट किसी कंटेंट पे लिखना है इंग्लिश में फॉर एग्जांपल लिखना है तो आप किसी और लैंग्वेज के अंदर कोई वेबसाइट ढूंढने उसको ऑनलाइन ट्रांसलेट करके तो कॉन्टेंट कापी करने खुदा ना खास्ता अगर वो किसी ने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो आप ए आई की मदद से उसको मज़ीद इम्प्रूव करा के दोबारा प्लेजरिज्म करके उसको चेक कर सकते हैं लेकिन ए आई के साथ साथ आप उसको ए आई डिटेक्टर के ऊपर भी चेक करना होता है जहाँ से आपको कमेंट मिल जाते हैं वैसे गूगल ने कहा है कि अगर आपका कॉन्टेंट हाई क्वालिटी है तो फिर हम ये नहीं देखते कि ये वो ए आई ने लिखा है या आपने लिखाया अगर उसमें यूज़र इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आपका कॉन्टेंट क्यों नहीं आना चाहिए तो ये चीज़ फिर भी हम कर रहे हैं इट्स नॉट अ बैड थिंग तो ये चीज़ें हम, तो ये चीज़ हम तो ये चीज़ आप याद रखें ये वेबसाइट है आपको इसमें हेड काफ़ी है ये भी वेबसाइट है आप देख सकते हैं तो यहाँ से देख के आप उसको कॉल सकते हैं तो मिलते हैं इन नई वीडियो के अंदर एक नए क्लास में और नजीम नई चीज़ों के साथ आएंगे आ, ये प्रॉपर पूरा आपके पास कंटेंट राइटिंग का क्लास था इसके अंदर आपने वर्क करना है और मज़ीद आपको आ, जब तीस आर्टिकल लिखेंगे अगर आप डेली बेस पे तीन चार आर्टिकल भी लिखते हैं तो आपको कम से कम ये वीडियो देखने के बाद एक दो हफ्ते काम करना पड़ेगा फिर आपको ने नेक्स्ट वीडियो पर आके वॉश करना है तो थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में